टाइगर 3 का चल रहा है टिकट्स गिव अवे कॉन्टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए इस कॉन्टेस्ट पे। हेलो एंड वेलकम टू मूवी डैडी, मैं हूं सुखेंदु और आप सभी को इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के अंदर आपको दिन भर मिलेगा फिल्मी दुनिया से काफी सारे अपडेट्स, रिव्यूज, रिकमेंडेशन, रिएक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट्स लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। वैसे आज काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स शॉर्ट फॉर्मेट में इस चैनल में है, आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आ गया हूँ काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर, बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपकमिंग मूवी टाइगर 3, जो कि वायर ऑफ स्पाइन यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी है, स्टारिंग सलमान खान, कैटरीना कैफ इन द लीड रोल। अब इसके ट्रेलर को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है, बहुत ही एंटीसिपेटेड एक मूवी है। अब इसका ट्रेलर आ रहा है 16th अक्टूबर को, कल ही हमारे चैनल पे ये मैंने न्यूज़ बताया था कि मिड ऑफ द अक्टूबर ये आएगा, तो अब स्पेसिफिक डेट है 16th अक्टूबर को इस फिल्म का ट्रेलर जो है ड्रॉप किया जाएगा। अपकमिंग एक और मच एंटिसिपेटेड पैन इंडिया मूवी लियो, इस लियो का भी ट्रेलर आ रहा है और लियो का ट्रेलर ड्रॉप किया जाएगा कल, ये तो सभी को पता है, लेकिन कल इस ट्रेलर को शाम के 6 बजे ड्रॉप किया जाएगा। अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी मिशन रानीगंज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, इस फिल्म का जो एडवांस बुकिंग है वो आज से शुरू कर दिया गया है। अब तक 56 चक दे इंडिया, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, पता है इन तीन फिल्मों में कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि इस फिल्म का डायरेक्टर, इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है शिमित अमीन। लास्ट फिल्म जो फीचर फिल्म डायरेक्ट किया था वो था रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। उसके बाद नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज द सुइटेबल बॉय, इसका जो 4th एपिसोड है उसको डायरेक्ट किया था, फिर उसके बाद ये अचानक से पूरा का पूरा गायब हो गया था और अब 14 साल बाद ये वापस आ रहे हैं और इस बार एक पीरियड म्यूजिकल फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि इस फिल्म के अंदर लीड रोल पे नजर आने वाला है कार्तिक आर्यन, लेकिन अभी तक ये कंफर्म्ड नहीं है, जैसे ही कंफर्म्ड होता है इस चैनल में मैं बता दिया करूंगा, तो फिर इस चैनल पे नजर रखिए जरूर। दंगल फेम फतिमा साना शेख अब वेब सीरीज में डेब्यू करने वाली है, ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है और इस सीरीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं एप्लॉज एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इससे पहले रुद्रा, क्रिमिनल जस्टिस जैसे वेब सीरीज प्रोड्यूस कर चुके हैं और इस सीरीज को डायरेक्ट कर रही है नित्या मेहरा, जो कि इससे पहले मेड इन हेवन जैसी सीरीज डायरेक्ट कर चुकी है। इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 अब OTT पर रिलीज होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो OTT के लिए इस फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म को OTT यानी Z5 पर रिलीज किया जाएगा 6 अक्टूबर को। वैसे आपको बता दूँ, गदर 2 के साथ जो रिलीज हुआ था ओ माय गॉड 2 8 अक्टूबर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा, वो भी अनकट वर्शन। 2012 की सुपरहिट मूवी स्टारिंग अजय देवगन, फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार, अब इस फिल्म का सिक्वल आ रहा है, ये अनाउंसमेंट पहले ही हमारे चैनल पे आ गया था। अब इसका जो शूटिंग है वो नेक्स्ट ईयर से शुरू कर दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर के समर टाइम से इसको शुरू कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, सन ऑफ सरदार 1 जो था वो 2012 में आया था और ये जो फिल्म है मर्यादा रमन्ना की एक फिल्म से फिल्म का रीमेक है और इस फिल्म का डायरेक्टर था SS राजामौली। वैसे ये भी सुनाई दे रहा है कि सन ऑफ सरदार 2 में विलेन के रोल में, मतलब एंटेगनिस्ट के रोल में शायद सनी देओल को देखा जा सकता है। वैसे सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है हमारे चैनल में शॉर्ट फॉर्मेट में, प्लीज़ उसको चेकआउट जरूर कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अपडेट है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय सिनेमा।